मिया को पता चल गया है कि विक्रम सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है, वो एक वैम्पायर है और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन क्या वो विक्रम से दूर रह पाएगी या फिर विक्रम की ये काली सच्चाई उसे और ज्यादा उसकी ओर खींच लेगी? क्या निया विक्रम की असली पहचान जानने के बाद उससे दूर हो पाएगी या फिर वो खुद को इस अंधेरे रहस्य में उलझा लेगी? कॉलेज के बाहर का सुनसान इलाका। विक्रम और निया आमने सामने खड़े हैं। निया अभी अभी विक्रम की असली पहचान जान चुकी है। उसके मन में डर और बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक गहरा खिंचाव भी है। निया को अब पता चल गया है कि विक्रम एक वैम्पायर है, लेकिन विक्रम की असलियत जानने के बाद भी उसके दिल में उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। वो जानती है कि विक्रम के पास एक काला रहस्य है, लेकिन वो ये भी महसूस करती है कि विक्रम ने उसे किसी और से अलग महसूस कराया है। उसकी इंसानी भावना और विक्रम के बीच का संबंध अब और भी उलझ गया है। विक्रम और निया आमने सामने हैं। विक्रम की आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। वो निया की ओर देखता है जैसे उसे कहना चाहता हो कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो शब्दों में बयां नहीं कर पाता। निया, मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। तुम मुझे क्यों दूर भेज रहे हो विक्रम? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें जानने के बाद तुमसे प्यार नहीं कर सकती? ये सच नहीं है। देखो निया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। मेरी जिंदगी का अंधकार, मेरा अतीत, ये सब तुम्हें खत्म कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ और तुम मेरी दुनिया में कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। विक्रम की आंखों में दर्द और पछतावा साफ नजर आता है, लेकिन निया उसकी बातों से सहमत नहीं होती। तुम्हें लगता है कि मैं इससे डरती हूँ? हाँ विक्रम, मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा है, एक इंसानियत, एक प्यार जो तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विक्रम उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसके अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियाँ, दूसरी तरफ निया के लिए बढ़ता प्यार। निया, तुम समझ नहीं रही हो कि मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। मैंने सदियों तक सिर्फ अंधेरे में जिया है। मेरा अतीत खून से भरा हुआ है, और अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें भी उसी अंधकार में घसीट लूंगा। मैं नहीं डरती विक्रम, अगर अंधकार तुम्हारे साथ है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में एक गहरा प्यार दिख रहा है, लेकिन साथ ही डर भी है कि वो निया को किसी खतरे में ना डाल दे। विक्रम का अपार्टमेंट। विक्रम निया को अपने अपार्टमेंट में लाता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है और माहौल गंभीर है। विक्रम की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। निया, ये जगह मेरे जीवन का प्रतीक है। अंधेरा, अकेलापन और दर्द। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अंधकार नहीं है, मैं हूँ, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। विक्रम का दिल उसकी बातों से पिघलने लगता है, लेकिन वो अब खुद को रोकने की कोशिश करता है। नहीं निया, ये असंभव है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं खींच सकता। तुम इंसान हो और मैं एक राक्षस। हमारे बीच प्यार कभी नहीं हो सकता। निया उसकी आंखों में गहराई से देखती है। वो समझ रही है कि विक्रम उसे कितनी गहराई से चाहता है, लेकिन अपने डर की वजह से पीछे हट रहा है। तभी निया एक साहसी निर्णय लेती है। अगर हमारे बीच प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ विक्रम। मैं जानती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं इंसान रहूंगी तो हमारी दुनिया हमेशा अलग रहेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बन जाऊंगी तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। नहीं निया, तुम समझ नहीं रही हो। ये कोई हल नहीं है। वैम्पायर बनना एक श्राप है, श्राप। ये जिंदगी नहीं,
बल्कि एक अंतहीन यातना है। अगर ये यातना है तो मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। मैं बिना तुम्हारे नहीं जी सकती विक्रम, और अगर इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी तरह बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। विक्रम उसकी बातों से स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि निया इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसके दिल में गहरी उलझन और प्यार का ज्वार उमड़ रहा है। निया, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। ये तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। मैं जानती हूँ और मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। विक्रम उसकी आंखों में देखता है। निया की सच्चाई और साहस उसे अंदर तक छू जाती है। वो जानता है कि अब और उसे मना करना व्यर्थ है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। लेकिन याद रखना कि एक बार अगर ये रास्ता चुन लिया तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। मैंने अपना फैसला ले लिया है विक्रम। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। विक्रम धीरे धीरे निया के पास आता है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और प्यार दोनों है। वो निया के करीब आकर उसकी गर्दन की तरफ देखता है। उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां जागने लगती है, लेकिन इस बार वो उसे प्यार से देख रहा है, ना कि शिकार की तरह। निया की सांसें तेज हो जाती है, लेकिन उसमें डर नहीं है। वो विक्रम पर पूरी तरह से विश्वास कर रही है। निया, तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर इसका मतलब तुम्हारे साथ रहना है तो मैं सब कुछ सह लूंगी। विक्रम अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से निया की गर्दन पर अपने नुकीले दांत करा देता है। निया एक हल्की चीख निकालती है, लेकिन फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो विक्रम के कंधे पर गिर जाती है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। विक्रम धीरे धीरे निया को पकड़ता है और उसकी आंखों में आंसू छलकते हैं। निया, अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। निया के होठो पर हल्की मुस्कान है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी आंखों में अब वही गहरी लाल चमक है जो विक्रम की आंखों में थी। निया अब विक्रम की तरह एक वैम्पायर बन गई है। वो जानती है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। विक्रम और निया ने एक ऐसा प्यार चुना है जो इंसानी सीमाओं से परे है। अब वे दोनों साथ हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए। विक्रम और निया दोनों एक अंधेरी गली में चल रहे हैं। उनके बीच का अंधकार अब उन्हें डराता नहीं बल्कि उन्हें जोड़ता है। निया, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो और तुम मेरी। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में खो जाते हैं। निया और विक्रम ने अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया की हर सीमा को पार कर दिया। उनके इस सफर का अंत अंधकार में है, लेकिन उनके लिए ये अंधकार अब उनका नया जीवन है, एक साथ हमेशा के लिए।